अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस। और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और मुकम्मल वॉच करना है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि IPL 2024 में कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहा, कौन सा प्लेयर पर्पल कैप हासिल किया और कौन से प्लेयर जो बेस्ट ऑरेंज कैप किया। तो आइए गुफ्तगू करते हैं। पहले नंबर पे बात करते हैं फंटास्टिक प्लेयर ऑफ द सीज़न सनी नारायण। ये IPL के फंटास्टिक प्लेयर्स ऑफ द सीज़न रहे। और उसके बाद मोस्ट फोर इन किसने लगाए, वो लगाए हैं ट्रेविस हेड ने, जो सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले IPL 2024 के प्लेयर हैं, वो ट्रेविस हेड हैं। और मोस्ट सिक्सेस वो किसने लगाए, अभिषेक शर्मा ने लगाए। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले IPL 2024 में अभिषेक वर्मा हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा कैच पकड़ने वाले वो हैं रणदीप सिंह, उसने IPL 2024 में सबसे ज़्यादा कैच पकड़े। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक स्ट्राइक रेट ऑफ द IPL 2024, उसमें जैक फ्रेजर रहे, और जिस जो सबसे ज़्यादा हाई स्ट्राइक रेट जिसका रहा। उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर्स ऑफ द सीज़न वो रहे नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने वो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न IPL में नाम कमाया है। और उसके बाद आप लोगों के पास से है ऑरेंज कैप किसने लिया, वो ऑरेंज कैप के जो मालिक हैं वो दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं, दुनिया के टॉप बल्लेबाज हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जिनका नाम है विराट कोहली, जिन्होंने ऑरेंज कैप हासिल किया। और पर्पल कैप किसने हासिल किया, वो हर्षल पटेल है, जिन्होंने पर्पल कैप हासिल किया। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीज़न वो भी सनी नारायण को गया है, वो सनी नारायण ने जीता है। और उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि रनर अप जो टीम रही है वो सनराइजर्स हैदराबाद रही है, जिसने 12.5 करोड़ रुपए जिसको मिले हैं रनर अप के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं। और उसके अलावा अपनी टीम को सपोर्ट करने वाले सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करने वाले थे वो आपको पता है कि कौन है, वो है शाहरुख खान KKR, जिसने ये 2024 का मेला लूटा है। इसमें उन्होंने 20 करोड़ रुपए कोलकाता नाइट राइडर को मिले हैं, और इसमें उन्होंने तकरीबन ये अनबिलीवेबल क्रिकेट खेली है कोलकाता नाइट राइडर ने, और जिसमें उनके जो मेंटर थे वो गौतम गंभीर, उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी टीम को मेंटर रखा। और इसके अलावा आप लोगों को मालूम है कि सनी नारायण जो इस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे, और उसके अलावा मोस्ट फोर लगाए ट्रेविस हेड, और सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले अभिषेक शर्मा, और सबसे ज़्यादा कैच पकड़ने वाले रणदीप सिंह, और सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट जैक फ्रेजर, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द नीतीश कुमार, और उसके अलावा पिच एंड ग्राउंड अवार्ड जो मिला है वो उपल स्टेडियम हैदराबाद को मिला है। ये भी एक अमेजिंग अवार्ड है, जो पिच एंड ग्राउंड अवार्ड मिला है वो उपल स्टेडियम हैदराबाद को मिला है। ये थी हमारी आज की वीडियो, और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता हूँ। और इसके अलावा इंशाअल्लाह आप लोगों को मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप में मैच खेला जाएगा, जो 9 जून को खेला जाएगा, तो उसके लिए वीडियोस हम लोगों ने तैयार कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए एक अच्छी और अमेजिंग वीडियोस आने वाली है, जिसमें हम कंपेयर करेंगे तमाम दोनों टीम्स के बॉलिंग और बैटिंग के कंपेयर करेंगे, तो देखते हैं कौन सी टीम की कितना हैवी रहती है, और कौन सी टीम के जो बॉलर्स हैं वो कितना हैवी रहते हैं, और बैट्समैन की कंपेयर करेंगे, बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, फ़खर जमान, तो इन सबका कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं कि आप लोगों ने वो वीडियो मुकम्मल देखनी है, उस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं इंशाअल्लाह उस वीडियो में बहुत ही अच्छी आपको वो वीडियो मिलेगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।